फाइनली हम लोग आ चुके हैं पथरीला पहाड़ के ऊपर, और नीचे का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए एकदम पूरा नीचे का नज़ारा, बहुत ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और भी थोड़ा ऊपर चलेंगे। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी सुबह कुछ 8:30, बस मैं थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ ब्रश ब्रश करके। चलिए थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं और चलते हैं एक जगह। तो हमारा घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जाएंगे वहाँ पर। एकदम नेचर, मस्त नेचर है, तो दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत पुराना मंदिर है वहाँ पर, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। और चलिए चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं पहले, तो फ्रेश होने के बाद चलते हैं। अभी तो टाइम हो रहा है 8:30, तो 9 बजे तक फ्रेश होकर निकलना है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, छोटा सा मंदिर है। तो ये शिव जी का मंदिर है, इसमें बहुत सारा पहाड़ है और खेत भी है, तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए निकलते हैं जल्दी जल्दी फ्रेश होके। गेलू आंगनवाड़ी जाने के लिए रेडी हो रहा है, ये देखिए। पापा आंगनवाड़ी जी, आंगनवाड़ी बस यहाँ से 1700 मीटर दूरी पे है। तो आगे तो पहाड़ दिख रहा होगा आपको। तो देखिए हम लोग अभी चल रहे हैं और पहाड़ के पास वाले गांव पे, तो वहाँ से गुजर के देखिए एकदम सामने पहाड़। इतना नज़ारा देखिए, कितना सुंदर सा नज़ारा है। ये देखिए इस साइड में बहुत सारा मंदिर है। धान भी पक चुका है। जाने के लिए चलिए बिल्कुल चलते हैं एकदम पहाड़ के पास। देखिए तो यहाँ का थोड़ा नजारा देखिए, कितना सुंदर सा नजारा इस साइड के। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये देखिए एकदम पहाड़ी पहाड़ पहुंचने वाले हैं। तो देखिए ये रहा एंट्री गेट, तो यहाँ से एंट्री करते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जाके थोड़ा घूम के आते हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को पहाड़ का नजारा। यहाँ से नज़ारा कुछ
अलग टाइप का, एकदम व्यू मस्त व्यू है। ये देखिए ये देखिए देखिए, फाइनली हम लोग आ चुके हैं पथरीला पहाड़ के ऊपर। और नीचे का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए एकदम पूरा नीचे का नज़ारा। बहुत ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और भी थोड़ा ऊपर चलेंगे। बहुत ऊपर मैं आ चुका हूँ, पूरा ऊपर में चलेंगे, वो वाला ऊपर में। तो चलिए अब चलते हैं। ये देखिए तो हम लोग जा रहे हैं, पूरा ऊपर जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक। ये देखिए बहुत सुंदर सा पहाड़ है। तो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छा जगह है ये जो जगह है। तो उसका नीचे एकदम मस्त जगह है पिकनिक मनाने के लिए। तो ये जो जगह है यहाँ पर थोड़ा घूमने के लिए, वो तस्वीर खींचने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए ये जगह बढ़िया है। तो नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए पूरा ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। मेरा पीछे एक पत्थर है, यह है लास्ट। यहाँ से मैं आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, पहले फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं। ये देखिए इसका नज़ारा बहुत दूर है, एकदम ज़मीन छोटा छोटा दिख रहा है। देखिए फाइनली मैं आ चुका हूँ ऊपर। तो चलिए तो यहाँ का एक तस्वीर ले लेते हैं। ये देखिए तो नज़ारा किस इस तरह का है। ये देखिए नीचे जो ज़मीन है बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है ज़मीन। देखिए ये देखिए एकदम छोटा छोटा दिख रहा है। तो इस पहाड़ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो देखिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वाला जो पहाड़ है, वो जो बड़ा वाला पहाड़ दिख रहा है, वो वाला पहाड़ पर थोड़ा बड़ा बड़ा पेड़ है, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो अकेला जाने को डर लगता है। तो कुछ दोस्तों को लेके आएंगे, तो जाएंगे ऊपर किसी दिन। तो यहाँ से थोड़ा नीचे चलते हैं और छाँव में बैठते हैं। तो यहाँ का जो नज़ारा है, तो विश्वेश्वर महादेव फेमस है, इस पहाड़ के पास रहते हैं शिव जी। तो मंदिर में थोड़ा चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या है, तो फिर जाएंगे नीचे। हाँ जाली बो हाँ हाल है पकड़ अच्छा अच्छा चलिए। तो यहाँ का तो ये जो अंकल है उनसे तो थोड़ा बातचीत हो गई, बस निकलते हैं अभी। तो नीचे जाएंगे, छाव में बैठेंगे। ये तो पहाड़ी लोग हैं, तो ये काम करने का आदत है इनको। तो इसके ऊपर भी चढ़ने के लिए सीढ़ी है, ये देखिए इस तरह का सीढ़ी भी है ऊपर जाने के लिए। चलते हैं थोड़ा ऊपर। देखिए नीचे का नज़ारा देखिए, अगर यहाँ से कोई गिरता है ना सीधा नीचे। ये देखिए यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह का है। ये देखिए नज़ारा तो बहुत सुंदर है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर लोग फीस्ट वगैरह करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये देखिए तो बढ़िया जगह है, चूल्ही भी बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आएंगे एक दिन। तो ये जो कार्तिक महीना चल रहा है ना, तो ये कार्तिक महीने के बाद आएंगे, और 7-8 दिन के बाद यहाँ पर आएंगे, एक फीस्ट करेंगे यहाँ पर सारे दोस्तों के साथ आएंगे।
देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का है। देखिए एकदम पूरा छाँव ही छाँव। ये जो चूल्ही बनाया हुआ है एकदम एक बड़ा वाला पत्थर है। देखिए ये वाला पत्थर के नीचे कितना सुंदर से दो तीन चूल्ही बनाया है। देखिए वहाँ पर एक, वहाँ पर एक, वहाँ पर एक। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर चूल्ही बनी है। तो ये चूल्ही में तो लोग खाना बनाते हैं, बना के यहाँ पर पार्टी बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर सा प्लेटफॉर्म है। वाह कितना सुंदर सा नज़ारा। तो आएंगे यहाँ पर कुछ पार्टी बनाने के लिए। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। फाइनली ऊपर से हमने घूम के आ गए हैं, बस अब चलते हैं नीचे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्योंकि पहाड़ में गर्मी तो होता ही रहता है, क्योंकि इस वाली पहाड़ में पेड़ नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो रही है ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। देखिए हमारा विश्वेश्वर महादेव का नज़ारा कुछ इस तरह है। तो आप लोगों को भी दिखा दिया यहाँ का पहाड़ का नज़ारा और साथ में खेत खलियान। नज़ारा तो एकदम मस्त था। जनवरी फर्स्ट में इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है, तो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जगह नहीं बचता। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो हम थोड़ा, ये जो कार्तिक महीना चल रहा है ना, ये कार्तिक महीना सरने के बाद हम आएंगे वहाँ पर, फीस्ट करेंगे वहाँ पर, मनाएंगे पार्टी, मनाएंगे दोस्तों को लेकर आएंगे वहाँ पर। तो आज का तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। पसंद आया वीडियो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो यहाँ का नज़ारा तो आप लोगों को दिखा दिया पहाड़ के ऊपर जाके और नीचे का, ऊपर का सारा दिखा दिया। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं।